हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने कला जगत में अपने योगदान से बड़ा नाम कमाया है, सोशल मीडिया पर जिनके लाखों फैंस हैं, लाखों व्यूवर्स हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों को पूरी दुनिया में देखा जाता है और गुजरात के छोटे से इलाके भुज का नाम ये विश्व के मानचित्र पर बड़े अक्षरों में लेकर आए हैं। छोटा सा नाम भुज, लेकिन आज भुज का जो पर्याय है वो हर्षुक भाई सोनी के नाम से पहचान बन गई भुज की भी। हर्षुक भाई सोनी के साथ आज मैं बैठा हूँ, तो कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, इस समय मिलेगा? जरूर मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? वैसे शौक तो मुझे पूरा नहीं है। अच्छा। संगीत का शौक पूरा नहीं है, और आपको मालूम शायद आपको ताजुब रहेगा कि मैं 7 साल की उम्र का था तब से मैं पुराने गाने सुनता आया हूँ। और आज 7 साल की उम्र से मैं सुनता आया हूँ और आज भी वो मेरा शौक बरकरार है। अच्छा। अभी भी मैं सुनता हूँ, आज भी मैं, आप मानोगे नहीं, मेरी आँखें खुलती है ना तो गाने से खुलती है और सोता हूँ तो गाने के साथ आता हूँ। और मुझे इतनी लगन है पुराने गाने से कि बात ही छोड़ो। और आज का जो ये मीडिया युग में आज जो यूट्यूब है, जैसे मैं अपने अपने शोज करता हूँ तो उस शोज में जो अच्छे अच्छे कलाकार वो मैं आमंत्रित करता हूँ और सब लोग आकर गाते हैं यहाँ पर, और उसमें से अच्छे अच्छे सॉन्ग जो होते हैं मैं यूट्यूब पर रखता हूँ, तो यूट्यूब से आप मानोगे नहीं पूरी पूरे दुनिया में लोग सुनते हैं और मुझे पहचानते हैं। वैसे ये गाने की वजह से, ये गानों की वजह से हर्षुक भाई सोनी की पहचान है। तो एक मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताऊँ आपको। अभी मैंने लास्ट शो किया था एक प्यार की दास्तान, उसमें राजेश पवार को बुलाया था, वो सिंगर बहुत बड़ा सिंगर है और अक्सर एवरेज शोज करते वो, तो वो मेरे शो में आए थे और ढके गए। और मेरे शो के बाद वो मेरा शो जब भी पूरा हुआ उसके बाद दूसरे दिन वो होलैंड जाने को भी रवाना हो गया। अच्छा। और होलैंड गया वहाँ पर, वो होलैंड से मेरे को उसने फ़ोन किया कि हर्षुक भाई सोनी आप चीज़ क्या हो? अच्छा। आप क्या चीज़ हो? मैंने बोला भाई क्यों, मैंने कोई गलती हो गई मेरे से क्या, मैं यहाँ पर आया? ठीक है, नहीं नहीं गलती तो नहीं हुई, मैं आज होलैंड में बैठा हूँ एक होटल में। अच्छा। और सुबह से शाम तक मेरे को जो भी मिलने आए करीबन 18 आदमी मेरे को मिलने आए, वो 18 आदमी में से कोई ऐसा आदमी नहीं था जो आपको पहचान देने। अरे वाह। तो उसने बताया कि ये लोग आपको बहुत नाम से पहचान से करीब से पहचान दे रहे। मैंने बोला उसकी वजह तो ये यूट्यूब है और ये मेरे गाना है जो इन लोगों को पसंद आए, उसकी वजह से ये लोग मुझे शायद पहचानते होंगे। और वैसे मैं अपलोड तो करता हूँ, वैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, लंदन है और दुबई है, कहीं कहीं से मेरे को अक्सर फ़ोन आते रहते हैं कि हर्षुक भाई धन्यवाद करता हूँ, मैंने ये गाना आज बरसों के बाद सुना जो आपने जो ये यूट्यूब पर अब छोड़ा है जो, तो मैं धन्य हो गया। मैं जब भी बहुत छोटा था तब ये गाना सुना था, दिमाग से भी हट गया था, आज वो गाना सुनकर मेरे को मेरी पुरानी बातें याद आ गई, मेरा बचपन याद आ गया और आज ये गाना क्या आपने गाना रखा है, और मैं बहुत दिल खुश हो गया और मैं दिल से शुक्रिया आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आज भुज का अगर नाम लिया जाता है तो कोई भी संगीत प्रेमी हो उसे हर्षुक भाई सोनी याद आ जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा वो बात अलग है, लेकिन से बन गए वो बात अलग है, लेकिन हर्षुक भाई सोनी को जो लोग याद करते हैं पसंद करते हैं उसकी वजह क्या है कि हर्षुक भाई सोनी एक फुल म्यूजिक लवर 100%। और यहाँ पर जो हम शोज करते हैं ना जो, और हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो ऑर्गेनाइजर करते हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं है ये, कि ये टिकट शो नहीं करते, हम खुद के मनोरंजन के लिए हमारे मनोरंजन के साथ
हमारे दोस्तों को, हमारे भूजवासियों को हम शामिल करते हैं और उनको भी ये शो में एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से हम सोच करते रहते हैं। और मैं कुछ ये जो लोग जो स्टेज शो करते हैं उसमें जिस तरह से गाने लेते हैं जो, तो वो तो प्रोफेशनल है, तो वो तो पब्लिक को जो पसंद आएगा वही गाने लेंगे। और मैं जो लेता हूँ जो मुझे पसंद है, क्या और मेरी पसंद में से आप अपनी पसंद निकालो। अगर मैंने समझ लो 30 गाने का कोई प्रोग्राम बनाया है तो 30 गाने में से मेरा तो 30 के 30 मेरा पसंदीदा गाने हैं, उसमें से आपको शायद ही कोई 10 गाने आपको पसंद आ गए या 15 गाने पसंद आ गए, तो उसमें से एंजॉय करो, आप मजा करो मेरे साथ साथ। मैं तो 30 गाने का लुक उठा जाऊँ आपको, आपको म्यूजिक लवर जो, और आपको जो जो भी गाने में मजा है बस तालियों बजाओ उसमें। देखिए असल में तो जो भारतीय संगीत है वो इतना समृद्ध है, पूरे विश्व में भारतीय संगीत का डंका बजता है। हाँ सही बात है। लेकिन विशेष तौर पर जो भारतीय फिल्म संगीत है उसने तो पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम बनाया है। सही बात। पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वो तो शास्त्रीय संगीत है, लेकिन क्योंकि शास्त्रीय संगीत सभी नहीं गा पाते या सभी नहीं समझ पाते, तो उसका उसमें से कुछ चीजें लेकर और ये भारतीय फिल्म जगत का जो संगीत बना है वो बना है। 1950 से लेके 1970 तक का जो दशक था उस दौरान जो टाइम रहा है वो भारतीय फिल्म जगत का, सिनेमा जगत का गोल्डन पीरियड रहा। सही बात है। क्योंकि इसी दौरान लता जी का उदय हुआ है, दुनिया के सबसे महंगा है मोहम्मद रफी साहब इसी युग में रहे हैं, इसी समय उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही हैं। आशा जी कहें, मन्ना दा कहें, हेमंत दा, और देखिए मुकेश जी, और ये कहिए कि इसी दौर में ऐसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जैसे सी रामचंद्र, रवि हयाम साहब, नौशाद साहब, सलील दा, शंकर जयकिशन, अनिल विश्वास, हाँ हाँ, इतने बड़े बड़े लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का उदय इसी में हुआ, कल्याण जी, आनंद जी भाई, इनकी जो या तो कहें कि इन्होंने इतनी मेहनत की और जो मेहनत संगीतकार ने की उसके हिसाब से रिजल्ट देने वाले सिंगर उस जमाने में थे। तो आप जो कर रहे हैं जिसका मैं कायम हूँ आपको, सैल्यूट करता हूँ आपको, आपने उस जो भूला हुआ संगीत था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि आज की पीढ़ी ना हल्केपन की तरफ है, तो आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा आज के बच्चों में वो संगीत लाने वापस, बिल्कुल, वैसे तो वो जीवंत है हमेशा, लेकिन आप खास तौर पे ऐसे गाने लेकर आते हैं जिन्हें सुने हुए कई बार, मैंने भी जैसे सुना कि 30 साल बाद मैंने गाने सुने, एक ब्लैक प्रिंस का आपने गाना आपके प्रोग्राम का सुना मैंने, नहीं गाया ना फिर रफी साहब ने गाया था, और मेरे ख्याल से उसके जो संगीतकार है उनका भी बाबुल सुप्रियो, नहीं बाबुल सुप्रियो उसका उन्होंने बाबुल सुप्रियो उनका था, और दलाल गुआ, दलाल गुआ ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनके कम गीत आए लेकिन बेशकीमती हीरे की तरह थे, उनको आप सामने लेकर आए हैं। तो ये बात आप कोई तभी कर पाता है कि या तो उसको पीछे से संगीत मिला हो विरासत, तो संगीत के वो बात तो अलग है, विरासत में तो मेरे को संगीत मिला है क्योंकि मेरा फादर जो था वो भी बहुत ही उस टाइम के संगीत का था, थे वो भी के एल साइकिल के जमाने थे, पंकज मलिक के वो अक्सर घर में वो सुनते रहते थे, पंकज मलिक का के एल साइकिल पेशी ने उन लोगों को, हाँ तो उन लोगों को वो सुनते रहते थे और मैं भी वो सुनते थे, तो मैं भी बस उसमें दिलचस्पी रखता था। और फिर ये जो पीढ़ी की बात है ना, जो तो उनके समय दरमियान जो केएल साइकिल चलते थे, सी एच आत्मा चलते थे, पंकज मलिक चलते थे, तो उसके बाद जो है तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, गलत थे, तो वो सब हमारे पीढ़ी में, मेरी पीढ़ी में जो आए, और उस समय की बात और इस समय में बात, हमारे समय में तो हमारे समय में जो हुआ ना तो उसमें लिरिक्स आ गए थे, तो लिरिक्स जो थे उस टाइम लिरिक्स तो थे, लेकिन इस ये जो लिरिक्स जो अभी आए ना, जो
50 से 70 में जो लिरिक्स जो बने, तो उस गाने में कुछ लिरिक्स की वजह से गाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, एक लिरिक्स तो हाँ। वो कोई गाना ऐसा भी बन जाता है जो कंपोजिशन बहुत बढ़िया रहता है। तो कोई गाना ऐसा होता है लता जी ने या आसन जी ने कोई ऐसी हरकतें की हो कि जो दिल को छू जाती थी। मदन मोहन जी ने ऐसे हाँ, तो मदन मोहन की बात है तो वो तो मेरा फेवरेट है। अच्छा, मदन मोहन मेरा फेवरेट संगीतकार है। वैसे तो मैं सबको पसंद करता हूँ, लेकिन मदन मोहन को मैं पसंद करता हूँ उसकी वजह से, क्योंकि वो गजल का बादशाह थे। मदन मोहन गजल का बादशाह, और गजल जो होती है तो गजल में होता है लिरिक्स। तो मैं लिरिक्स को अक्सर मैं सुनता हूँ, और लिरिक्स से मेरे दिल में बहुत ही प्रभावित होता हूँ लिरिक्स से, तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे अनिल विश्वास, तो अनिल विश्वास भी उस टाइम में बहुत ही बढ़िया बढ़िया उमदा उमदा, जैसे एक उसने छोटी छोटी बातें में एक गाना बनाया लता मंगेशकर के साथ, जिंदगी का जब फसाना है, वो आप गाना सुनो और उसमें जो लिरिक्स सुनो आपको, तो उसमें ऐसे लगेगा कि क्या गाना बनाया, उसमें क्या लिरिक्स है। तो एक थोड़ा सा छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको। तो दिल लगाया था पर नथी ये खबर, दिल लगाया था पर नथी ये खबर, मौत का ये भी एक महान, मौत का ये भी एक महान, जिंदगी का अजब फसाना। तो ये गाना अनिल विश्वास ने उस टाइम बनाया था, तो उसका कंपोजर भी बहुत बढ़िया, और गाने का लता मंगेशकर और मुकेश जी ने तो उस टाइम बहुत ही अच्छी तरह से गाया भी, कुछ किया हुआ की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया थी, और उसका जो लिरिक्स था जो, वो मेरे मन को बहुत भाव गया। आज भी मैं भूलता नहीं, जब भी मैं मुकेश जी को याद करता हूँ तो मैंने मुझे ये पहले गाना याद आता है कि जिंदगी का जब पता क्या है। तो आज इस तरह के गाने जैसे जैसे मदन मोहन ने भी जैसे बनाया, जैसे ये गाना उतने आपकी परछाई में लता जी ने गाया, तो सरी के जिंदगी को क्यों सरी के गम नहीं करते, दुखों को क्यों भार कर इन दुखों को कम नहीं करते, तो इस तरह के अगर मुझसे मोहब्बत है, तो वो गाना देखो तो उस गाने में जो लिरिक्स जो है, तो जो उस लिरिक की वजह से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ कि जिंदगी में तो तूने मुझे शामिल की हुई है, लेकिन तू अपने गम में भी मेरे को शामिल कर लो, तो सरी के जिंदगी को क्यों सरी के गम नहीं करते, दुखों को बांट कर क्यों इन दुखों को कम नहीं करते, कि अगर ये दुख है तेरे पास तो अकेला जो झेल रहा है तो मेरे थोड़ा आधा मेरे को दे दो, तो ये कोई बात है उसमें। तो ये जो लिरिक्स की जो वजन जो है, तो ये इस वजह से मैं ऐसे लिरिक्स वाले गाने मुझे बहुत ही पसंद करता हूँ। तो इस तरह के उस टाइम के ये राइटर जो बनाते थे और लिरिक जो लिखते थे, तो इतनी मज़ा आती थी कि क्या बात। और मैं आज के गाने के लिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आजकल के संगीत में ऐसे कोई दम नहीं है, क्योंकि आज की पीढ़ी आज के माहौल जो है उन लोगों को ये पसंद है। जिस तरह मेरे पिताजी केसी डे को सुनते थे, पंकज मलिक को सुनते थे, के एल साइगर को सुनते थे, तो वो बोल सकते, उसके बाद जो हमारा बोला है तो वो मैं सुनता, आज का ये बोल रहा है तो आज के बच्चों को पसंद आता है। तो हम ऐसे कभी उसके ऐसे बोलते हैं बच्चों, ये गाना है तुम्हारा, क्या गाना है, हमारे समय में ये गाना चलता था, लेकिन वो बात अलग है, हमारे समय में जो चलता था वो आज नहीं चलेगा, लेकिन आज भी वो जो बरकरार है और आज भी वो संगीत जो है, ये आज भी इतना मजेदार, इतना जब भी गाना सुनो कभी पुराना नहीं लगता है, वो हमेशा जवाब। वो बोलते ना जैसे ये कोई भी गाना कभी आपको मानोगे नहीं, मैं जब भी कोई भी गाना सुनता हूँ मुझे भी मैं समझता हूँ कि मैंने ये पहली बार सुनता हूँ, मैं इतना इन्वॉल्व होकर मैं समझ लो ने 50वीं बार ये गाना अगर सुना होगा ना, तो मैं सुनने के टाइम पर मैं देखूँ ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इतना इंटरेस्ट से सुनता हूँ वो गाने को, सुना हुआ हो फिर भी वो गाने की बस इज्जत हुई है, तो उस गाने का ये लिरिक्स की वजह से, कंपोजिशन की वजह से, गायकी की वजह से, कुछ ना कुछ खूबियों उस टाइम में होती रहती थी जो आज शायद नहीं होती, लेकिन आज की जनरेशन वो पसंद करती है, वो अलग बात है।
जहाँ तक जनरेशन की बात है, दादा साहब फाल्के ने ये फिल्म इंडस्ट्री शुरू की तो उन्हें उसका पितामह कहा जाता है, लेकिन जो संगीत में, जो गायन में, फिल्म संगीत की बात करते हैं तो उसमें पितामह माना जाता है के एल सहगल साहब को। सही बात है, क्योंकि के एल साहब, सहगल साहब की शैली सबने कॉपी की, चाहे वो रफी साहब हों, चाहे वो किशोरदा हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे तलत महमूद साहब हो, सबने उनकी कॉपी करके उन्हीं से सीखकर ये फिल्मों में आगे आए हैं। लेकिन आगे आके उन्होंने अपना अपना एक अलग मुकाम बनाया, जैसे किशोरदा का एक अलग शैली रही, उनका गायन का, गाने का तरीका, उनकी आवाज वो अलग, और म्यूजिक डायरेक्टर उनको सोच के गाना बनाता था ये किशोर कुमार के ऊपर शूट करेगा। रफी साहब का एक अलग मुकाम रहा, हालांकि वो सीखे उन्हीं से, केएल सहगल साहब से। लता जी का तो जवाब ही नहीं होता, मैं तो साक्षात सरस्वती का रूप मानता हूँ उन्हें। लता जी, आशा जी, सुमन कल्याणपुर जी, या बीच पीछे जो अगर कहें तो आप शमजाद बेगम, गीता दत्त, सबने अपना अपना काम इतनी शिद्दत से किया है। तो ये कहना कि 50 से 70 के बीच के ही गाने बहुत अच्छे, ये इसको मैं थोड़ा सा कि वो जो दौर था, उसी दौर में कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स और कुछ ऐसे है कि कंपोजिशंस जो बनी या जो लिखा गया वो बड़ा बेहतरीन था, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। राइटर जो था ना, वो पूरा जो लिखा गया। और फिर दूसरी बात ये कि एक एक गाने पर इतनी मेहनत की जाती थी, वो उसकी वजह आपको मालूम था, उस टाइम ये कॉम्पिटिशन नहीं था, ऐसा नहीं था। आज जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, उस टाइम भी कॉम्पिटिशन नहीं था, ऐसा नहीं था। उस टाइम भी कॉम्पिटिशन रहता था, लेकिन वो कॉम्पिटिशन ऐसा था, मीठा कॉम्पिटिशन, मीठा झगड़े वाला ये कॉम्पिटिशन नहीं। ये मदन मोहन ने यार ये बनाया, आपकी नजरों ने समझा, घर के काबिल बोले, वो गाना बनाया। तभी नौशाद अपनी गाड़ी लेकर गए उसके घर पे और बोले कि ये तेरा एक गीत पर मेरा पूरा संगीत कुर्बान कर। अरे वाह, वो नौशाद जी ने बुलाया था। तो ये कितना उसका ऊंची भावना, लेकिन कोई निगलेक्ट, ऐसे कोई जलन सी नहीं थी उसमें। आज जो आज तो मैं देखता हूँ बस एक विषय का टांगे के की बात रहती है और जलन सी से जल रहते हैं, लेकिन उस टाइम ये जलन सी नहीं थी। और इतना मीठा मीठा कॉम्पिटिशन रहता था। तो मदन मोहन ने ऐसे ये जो चीज बनाई आपकी नजर में, तो उसमें नौशाद अपने घर पे गया अपनी गाड़ी निकल कर और उसको पूरा संगीत उसे कुर्बान कर दिया, कि मेरा पूरा संगीत तेरे इस गाने से कुर्बान करता हूँ। तो ये भी एक बड़ी बात है नौशाद जी की, जो मैंने सुन रखा है वो ये बात, ये मैंने सुन रखा है कि उस टाइम जो नौशाद जी ने ऐसा किया था, तो उस टाइम संगीत में जो इतना कॉम्पिटिशन करता था, लेकिन मीठा कॉम्पिटिशन। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल साबित हो जाती है। रफ़ी साहब, किशोर कुमार, इनके बारे में कुछ लोग मुकेश जी को बड़ा पसंद करते हैं, कुछ रफ़ी साहब के फॉलोअर हैं। तो आज की जनरेशन ये कहती है कि भाई ये वो बेहतर, वो बेहतर, वो बेहतर, लेकिन अगर इन तीनों को देखा जाए या उस युग के कलाकारों को देखा जाए तो वो लोग एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। और उनका मोटिव ये होता था, उद्देश्य ये होता था कि जिस सिचुएशन पर एक गाना बन रहा है उस सिचुएशन पर कौन बेहतर गा सकता है। जैसे एक उदाहरण है कि रफी साहब ने किशोरदा के लिए प्लेबैक किया है ना, किशोरदा खुद एक प्लेबैक सिंगर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गाना इस तरह से होना चाहिए, इसमें सूट करेगी आवाज रफी साहब की, तो उसने किया है। अभी ऐसे करीबन 12-13 गाने ऐसे है कि जो किशोरदा के लिए प्लेबैक किया है रफी साहब। तो एक शरारत का गाना था और अजीब दास्ता हूँ मेरी है जिंदगी, तो वो शरारत का जो प्लेबैक सिंगर रफी है, लेकिन जो पर्दे पर लिखा है किशोर कुमार। तो इस तरह से किशोर को किसी तरह ओपिनियन क्या पिक्चर भागम भाग, उसमें देखो तो उसमें भी प्लेबैक किया है रफी साहब ने, अच्छा, किशोर कुमार को। इस तरह से फिर एक ओपिनियन का ये कोई रागिनी पिक्चर नहीं, लेकिन वो एक पिक्चर था उसमें मैं अभी मेरे को याद नहीं, लेकिन वो ओपिनियन का कंपोजर तू ही मेरा प्रेम दिल था। तो एक तू ही मेरा प्रेम दिल था रफी साहब ने गाया था। तो एक दूसरा वो भी था, वो किशोर कुमार रागिनी की दासी हूँ रागिनी। एक एक दूसरा एक पिक्चर था, इसमें विजय की माला थी, किशोर कुमार था वो
मैंने अभी याद नहीं, ज्यादा सूर्य कम हो गए थे, ओपिनियर का कंपोजिशन था, उसमें किशोर कुमार गाता है ठीक का गाना है, जो क्लासिकल क्लासिकल गाना है, अभी याद नहीं है, मैं उस टाइम बहुत गुनगुनाया करता था, लेकिन अभी थोड़ी उम्र को याद आ थोड़ी कम हो गई, तो उसकी वजह से मन मोरा बावरा भारत तेरा गाना मेरे ध्यान से तो है कि भारत तेरा गाना रफी साहब ने प्लेबैक किया किशोर कुमार के लिए, तो इस तरह से उस टाइम तो कोई जलन थी जैसा नहीं था और कोई ऐसा ईगो नहीं था, आज तो बहुत ईगो हो गया मेरे को देखता हूँ अभी सभी जगह पर, तो इस तरह से चलता रहता था और वो संगीत मेरे को मेरे ख्याल से सस्ता संगीत तो बोलता नहीं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात भी दुरुस्त है कि आज जो है असल में चार किताबें पढ़ के पंडित हो जाते हैं आजकल, है ना, बात यही है, जबकि संगीत की कोई सीमा नहीं, था सागर है, नहीं, सही बात है। और चार गाने सीखने के बाद सिंगर बन जाता है बच्चा, आज मैं सिंगर हो गया, ईगो आ जाती है, किसी का नाम क्या दे, ऐसे बहुत बड़ा पड़ा। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसका एक चीज और हो रही है, क्योंकि अभी जिस तरह की कंपोजिशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि नए गाने सारे खराब हैं, नहीं नहीं, उस मैं भी आज अच्छे गाने आज भी आते हैं, भी नए गाने आज भी मैं भी पसंद करता हूँ और लेटेस्ट गाने, लेकिन कंपोजिशन अच्छा रहता है तो मैं भी पसंद करता हूँ। जैसे मैं अभी एक मेरे दोस्त था, तो उसने बोला कि मेरे को शो करना है, मेरा बर्थडे का, लेकिन जो आप लोग जो गाने लेते हैं वो गाने मेरे को कोई नए गाने चाहिए, तो उसमें हमने नए गाने जैसे चांदनी मेरी चांदनी वो मेरे को मैं पसंद है, तो फिर दूसरा एक गाना था अभी बहुत चलता है ये, अभी तो इस तरह के जिंदगी एक सफर है इस तरह के गाने, तो मेरे को वो भी अच्छा लगता था, तो इस तरह के नए गाने हम पसंद नहीं करते, तो इस तरह के गाने का पूरा शौक किया हमने, तो गाने तभी इस तरह के, लेकिन गाने तभी उन लोगों को पसंद भी हो मुझे भी पसंद हो, मैं भी बैठा हूँ ना वहाँ पर, सुनना मुझे भी है ना वो तो उन लोगों की पसंद के भी गाने और मुझे भी पसंद है, तो मैं भी बैठा हूँ वहाँ पर सुनने के, तो पूरा प्रोग्राम उसके डिजाइन बना दी उसको कि लो ये नए गाने के प्रोग्राम, तो उस तरह से तो करता रहता है, वैसे ऐसे जरूरी नहीं कि नए गाने इतना हम नहीं पसंद करते, हम तो पसंद नए गाने भी कैलाश खेर का गाया हुआ तो बहुत ही बढ़िया थे, पसंद करते हम लोग आज भी, पसंद करते आज भी हम गा लेते, कुछ गाने अभी आ रहे हैं ऐसे जो जिसमें शास्त्रीय संगीत का फोन किया जा रहा है, रागों को ध्यान में रख के बनाई जा रही है कुछ कंपोजिशन, लेकिन मैं जो बात कह रहा था आपका जो काम करने का जो तरीका है उसका जो असर आज की जनरेशन पर पड़ रहा है, मैंने आपके ऐसे कई फॉलोअर्स को सुना है, मैं तो क्योंकि दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में ही क्योंकि देश की राजधानी है और सांस्कृतिक राजधानी यूं तो केंद्र मानी जाती मुंबई, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं है, दिल्ली में बड़े सारे कलाकार, सोनू निगम जैसा लीजेंड हमारी दिल्ली से है, सुनिधि हमारे, मतलब मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अभी एक दिल्ली का कलाकार हूँ, और हमारे बीच में से ये दलेर मेहंदी है, अमिका है, ये सब हमारे बीच में से ही है, और आपकी जो काम करने की जो शैली है उसे दिल्ली के कलाकार बड़ा पसंद करते हैं, अभी कार्यक्रमों में जो दिल्ली में हो रहे हैं उसमें बच्चे ऐसे, मतलब ऑर्गेनाइजर्स भी ऐसे गाने सेलेक्ट कर रहे हैं जिस तरह के आप करते हैं कि जो कि थोड़े टफ होते हैं, कुछ उनमें लिरिक्स इतने अच्छे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, और कुछ गानों को सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिनके भी हो जाते हैं, तो आप ये जो बदलाव लाए हैं इसमें बहुत बड़ा मैं आपका मानता हूँ कि आप इतना बड़ा बदलाव लाए हैं, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहता हूँ दोबारा बात
ये जो जर्नी आपने शुरू की, ये एक रातों रात तो हो नहीं गया होगा, छोटा सा शहर भुज है, ये किस तरह से आपने पहला कार्यक्रम किया और उसमें कैसे वो मन में आया आपके, किस तरह से आपके विचार मन में आए कि मैं ये करूं, और कौन निकटतम सहयोगी रहे? नहीं, वैसे हमारे भुज में अक्सर प्रोग्राम तो होते रहते थे जी। मेरे एक दोस्त था वासु भाई टक्कर, वो मेरे करीब दोस्त था, वो भी म्यूजिक लवर था। अच्छा। और उसका बिजनेस था जैसे प्रॉपर्टी का। अच्छा। तो वो ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते थे और हम भी, मैं भी उसके साथ रहा करता था। जब भी कोई भी प्रोग्राम उसको करना है म्यूजिक लवर, तो फिर ये मुंबई से हम ये कलाकारों को बुलाते थे, तो उसमें से अच्छे कलाकार, चुनिंदा कलाकार जो मुंबई में, तो उसका मैं डायरेक्ट सजेस्ट करता हूँ, देख पाचू मैं तो अपना दोस्त था, मेरे बात यही बोला उसको बुलाओ, ये कोई इसको सुनेंगे, इसको सुनेंगे, ऐसे तो फिर वो बोलते कि चलो ऐसे, तो उसको बुला लेते हैं और फिर हम गाना सिलेक्ट करते हैं लोग, तो उस टाइम वो टोटली खत्म, वो सभी करते थे, वो वासु जी करते थे, और इतने बहुत से प्रोग्राम किए उन्होंने। तो बस भगवान की इच्छा से कभी ऐसे हुआ कि उसका ध्यान तो गया, तो उसका ध्यान तोड़ने के बाद तो फिर हमने बस वो तो जो क्रम था उसको तोड़ा नहीं, क्रम ने नहीं तोड़ा, तो मैं उसके बाद मेरा बहुत हमारी पोजीशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं आज भी। अच्छा। और उनको याद करते आज भी हम जो एक संस्था है जो सप्तरंग हमारी, तो उस संस्था के नाम से अक्सर मैं मेरा हमारी संस्था के प्रमुख श्री जवेरलाल सोनी जी, वो हमारे प्रमुख श्री जगदीश भाई भट्ट, वो वाइस प्रेसिडेंट है, और मैं सप्तरंग का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, वो प्रोग्राम का डिजाइन बनाता हूँ, और अक्सर साल में दो तीन प्रोग्राम हम एक तरह से करते जो पब्लिक को देते, पब्लिक के लिए, पब्लिक को जो अच्छा लगे इस तरह के गाने निकाल कर हम अक्सर देते रहते हैं। और वैसे तो मैं तो बहुत ही शौकीन हूँ, अभी मेरे घर पे कोई किसी का बच्चे का बर्थडे है या मेरा बर्थडे है, मेरी वाइफ का बर्थडे है, मेरी पोती का, मेरे पोती का, मेरे नाती का, किसी का भी बर्थडे होता है, तो बस हमको इंतजार करते किसका बर्थडे आ रहा है, तो बस इसका बर्थडे किस तरह से मनाना है वो मैं नक्की कर लेता हूँ कि इसका बर्थडे है तो बस म्यूजिक का प्रोग्राम करेंगे और पुराने गाने। अच्छा, तो उसमें हर बार 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 दिन यह गाना होता है, उसके बाद हम थोड़ा शो शुरू करते है गणेश जी का नाम लेकर, और अक्सर मैं जो अपना शो जो करता हूँ उसमें एक फिल्मी भजन रख देता हूँ स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कोई भी जैसे गोरा मंडल पन कहलाए, काना रे काना, तो इस तरह के कोई भगवान के नाम से, प्रभु तेरो नाम, इस तरह से बहुत से गाने हैं, तो ये ऐसे गाने से हम शुरुआत करते हैं, और फिर जब ही शुरू होते हैं तो लोगों को ये बर्थडे सेलिब्रेशन में इस तरह के गाने, जैसे वो देखो जला कर गए वो देखो जला कर किसी का वो बर्थडे में, लेकिन वो बर्थडे का तो गाना है हमारे पास, तो लेकिन सुनना है हमें ये गाना, आपको तो सुनने सुनाने का मौका चाहिए, तो मुझे तो मौका चाहिए, तो गाना तो कोई भी हो, इसमें कोई रोमांटिक गाना हो या नहीं, लेकिन ज्यादातर हम शेर सॉन्ग पसंद, जैसे बर्थडे फंक्शन के बहाने हम लोग इस तरह से दोस्त लोगों को साथ में इकट्ठे करते हैं और एंजॉय करते हैं इस तरह से, लेकिन गाने हमारे ये पुराने, उसमें दर्द भी शामिल है, रोमांटिक भी शामिल है, तो जैसे ऐसे हम तो ये गाने तो दिल को लाख संभाला दिया फिर भी दिल मत, ऐसे ये रोमांटिक गाना है, और देखो मैं तुम्हीं से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों, और ये भी रोमांटिक गाना है, तो ऐसे भी रहते हैं। और जैसे ये एक गाना था वो लक्ष्मी राम का कंपोज किया हुआ, तो ये से दर्द ही लगी थी, ये भी होता है, तो जैसे वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो बुलाए, तो दर्द है ऐसे, तो ये गाने में दर्द हो या रोमांटिक हो,
लेकिन दिल को जो सुकून मिले वो गाने हम लेते हैं और इस बहाने हम लोग अपना बर्थडे एंजॉय करते हैं। क्या बात है, वाह। मैं पूछना चाहता हूँ जो वासु भाई की, जब जिनसे आपने ये शुरू किया था, जिनके साथ वासु भाई के देहांत के बाद जो आपने कार्यक्रम जब करना सोचा, तो कोई कठिनाई आई या इजीली सारी चीजें हो गई? नहीं, अब देखो कठिनाई तो बहुत सी। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या परेशानी आई। नहीं, परेशानी तो मैं ये मेरे विचार है, कोई भी मंजिल बिना बाधा पार करे तो मिलती नहीं, कोई ना कोई तो बाधा आती है, तो ऐसी कौन सी? तो आपके साथ में बताता हूँ, वासिफ भाई की जिंदगी में वो अक्सर प्रोग्राम्स करते रहते थे और अपनी जेब से पैसे से खर्च करते, वासु भाई अपनी जेब से 101% खर्च वो खुद ही करते, पूरा खर्चा जितने भी समझ लो, कोई भी प्रोग्राम में 3 लाख खर्चा आ जाए या 2.5 लाख आ जाए या 3-4 लाख खर्चा आ जाए, जितना भी खर्चा है वो अपनी जेब से देते थे। तो इस तरह से फिर करते करते प्रोग्राम है तो उसको भी दिलचस्पी बहुत, मुझे भी दिलचस्पी, लेकिन करते थे वो, मैं हैंडल कर देता था उस टाइम, और दोस्त था तो मुझे पूछ करो, मैं जो वो थोड़ा मुझे बहुत अच्छी तरह से मानता था, मेरे जो फ्लावर थे वो जानता था कि मुझसे भी जानकार ये बहुत अच्छा है और इसकी सिलेक्शन भी इसकी अच्छी रहती है, तो वो थोड़ा बाहर मेरे को लगता है, तो देखो तू पूरा प्रोग्राम का डिजाइन बनाओ, पूरा प्रोग्राम का डिजाइन मैं बनाता था, खर्च वो करता था, मैं नहीं करता था उस टाइम, और वो बोलता था इतना खर्चा करके एंजॉय करते थे हम, तो बोलता था यार कि भूज अपनी एक इतना छोटा भूज है लेकिन हमारे यहाँ भूज में कोई क्लब नहीं है, तो हम लोग जेब से पैसा डाल कर अपने एंजॉय कराते हैं, हम करते हैं, पब्लिक को भी कराते हैं, तो ये कितने दिन चलेगा इस तरह से? और करना ज़रूरी है, प्रोग्राम करना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है और एंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन कितनी बार जेब से पैसा डालेंगे? तो कुछ क्यों ना करें हम ऐसे कोई क्लब बनावे और वो क्लब में मेंबरशिप ले और कोई कुछ करे, तो वो उसने रजूआत करी, मेरे पास बोला कि कुछ करें हम इस तरह से कुछ करें, मैंने बोला सोचिए बात तो सही है, तो बार बार जेब से पैसा डाल कर ये प्रोग्राम करते रहते, अगर क्लब बना ले तो क्लब में तो सब मेंबर्स बन जाएंगे तो खर्चे में तो बहुत ही फर्क रहेगा, तो वो बात करते रहते थे अक्सर, लेकिन क्लब बनी नहीं थी उस दरमियान, बात हो गई। ये कौन से सन की बात है जब वो गुजरे? गुजरे वो 2009 में। 2009 में? 2009। तो यानी कि आपने जो कार्यक्रमों का सिलसिला इससे भी पहले, 2000 मतलब उससे कितने साल पहले शुरू किया ये? करीबन 5 साल पहले, इससे 5 साल पहले किया था, इससे भी 2009 से 2005 4-5 में शुरू किया। अच्छा। और आज भी चलता रहता है, लेकिन एक बात सुनने लायक मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैं बात बता रहा था ना, जो तो क्लब का सपना था उसके बारे में, वासु भाई का कि क्लब बनाए, मैंने बोला क्लब बनाएंगे, वो सोच रहे थे हम कि क्लब बनाना, और उसके बाद मेरा बर्थडे आया तो मेरा बर्थडे हम कैसे शुरू किया, वासु भाई के बैठे बेल्ट लगा कर, अगर आपने देखा होगा ये अनिल वाजपेयी और नीलिमा गोखले को लेकर एक शो किया था, शो नहीं बोले बैठक का प्रोग्राम किया था, और उस दिन था मेरा बर्थडे, तो वो प्रोग्राम पहला मेरी लाइफ का, मैंने प्रोग्राम पहला किया जो मेरी लाइफ का अपना खुद पर, तो वो अनिल वाजपेयी और नीलिमा गोखले को लेकर ये किया था। उस दिन वासु भाई मेरे घर पे आए थे और वहाँ बैठे थे, उस प्रोग्राम में शामिल थे और बैठे हम लोग एंजॉय किया। उसके बाद जो एकदम कुछ इसको तकलीफ तो थी, इधर जो भी वो अहमदाबाद गए और वहाँ पर अहमदाबाद में और डॉक्टरों ने बहुत ट्रीटमेंट की, उसके बाद देखा तो उसके बाहर पेशेंट निकले वो, और उतना हुआ डॉक्टर के पास ही सीधे अटैक आ गया उसको, और उस अटैक में वापस हो गए चल बसे, अभी चल बसे फिर तो मेरे को भी बहुत झटका लग गया कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। टाइम जाते जाते फिर हम भी थोड़ा निकले उन सदमे में से, उसके बाद हमने सोचा कि वासु भाई अपने दिल में एक बात लेकर गया कि अपने क्लब बनाए, तो मैंने बोला तो उसका सपना जो था जो उसके लिए कुछ,
तो इसके लिए हमने क्लब बनाई पूर्वी फैन क्लब, पूर्वी वासवी का नाम था। अच्छा, तो हमने वो क्लब बनाई और सबको प्रोमिस किया कि वो अमाउंट सब नकली के इतने चार्जिस ढाई ढाई हज़ार रुपया रखा, जैसे 1500 रुपया और 1000, इस तरह से तीन कैटेगरी में क्लब बनाई और 650-700 मेंबर्स भी हुए। और हमने प्रॉमिस किया था कि चार प्रोग्राम साल में चार प्रोग्राम देंगे, तो चार प्रोग्राम के बजाय और उसमें तो फिर जैसे कोई मेरे घर पे बर्थडे आ गया तो वो गिफ्ट प्रोग्राम, वो क्लब के मेंबर्स को गिफ्ट प्रोग्राम, मेरे घर पे अगर मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं तो बर्थडे तो मनाना ही है मेरे को, तो मैं बर्थडे मनाता हूँ ये आप लोगों को पूरा क्लब का मेम्बर को उसको ये गिफ्ट में प्रोग्राम मिलता है, वो चार प्रोग्राम की प्रॉमिस है। तो इस तरह से मैंने गिफ्ट प्रोग्राम, और फिर मेरे दोस्त के किसी का कोई था तो उसने बताया कि यार ये प्रोग्राम मैं अपने क्लब को गिफ्ट देता हूँ। तो इस तरह से चार के बजे हमने करीबन नौ प्रोग्राम कर लेना, नौ प्रोग्राम दिए गिफ्ट के तौर पे, पांच प्रोग्राम गिफ्ट के तौर पे। जैसे आप मेरे दोस्त हैं, आपने बता दिया कि चलो अब सुबह ये क्लब में मैं अपना ये बर्थडे है मेरे बेटे का तो मैं आपको ये प्रोग्राम में डेडिकेट करता हूँ आपके क्लब को, तो इस तरह से प्रोग्राम किए हुए। लेकिन वो क्लब में मैं उस टाइम प्रेसिडेंट था उस क्लब का, लेकिन जो चलता रहता ना जब वैसे आजकल जो एक टांगे खींचना, तो टांगे खींचने की बात जो आती रही थी तो उसमें थोड़ा बहुत हमारे जो साथ थे तो उन लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे लगता था, जलन सी हो रही थी सब ऐसे कि भाई ये आपका नाम बनता है अब तो पीछे रह जाते हैं, तो इस तरह से चलता था। तो फिर मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था, झगड़ा होने लगा इतनी मगजमारी, मैंने बोला यार मैं तो म्यूजिक लवर हूँ, मुझे ये मगजमारी से मुझे पंगा नहीं, आप लोगों से भाई मुझे ये क्लब भी नहीं चलानी है, मैं म्यूजिक लवर हूँ आपके क्लब क्लब चले रखो या नहीं, मैं तो अपने आप से अक्सर मैं तो अपना प्रोग्राम करता रहूँगा, आगे भी करता आया हूँ और मैं भी करता रहूँगा। ये वासुदेव का सपना था जो मैंने पूरा किया, वो क्लब एक साल चलाई, एक साल के बाद फिर बाद में लोगों ने बताया कि भाई अब तो भाई अभी हमारे चार्ज और क्लब का मेम्बरशिप जो मेम्बरशिप ले रहे दूसरे साल की, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए मेम्बरशिप और मैं देखता हूँ अभी क्लब में जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी आपको बोलूँगा, क्लब अभी तो बंद नहीं किया लेकिन मैं अभी पैसा नहीं दूँगा और क्लब अभी चालू मैं रखूँ या नहीं रखूँ वो अलग बात है, इस करके मैंने अभी भी क्लब में बंद नहीं किया था उसको, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बोलूँगा मेम्बरशिप और तो क्लब चालू करूँगा लेकिन अभी नहीं करना चाहूँगा, इस तरह से क्लब को मैंने अभी पोस्टपोन रख दिया वो क्लब वाला। लेकिन मैं क्लब को ऐसे पोस्टपोन रख, लेकिन मेरे सोच जो होते हैं अपने खुद के सोच जो होते हैं वो तो अक्सर बता देता हूँ, और उस दिन में ये सप्तरंग जो है वो वासु भाई की देन है, वासु भाई का ये सपना था वो भी कि संस्था एक बने अपने, तो जैसे पूर्वी फ्रेंड क्लब थी वो भी उसका सपना था, ये सप्तरंग तो वासु भाई की हयाती में वासु भाई ने खुद ने बनाई थी सप्तरंग, तो उस टाइम सप्तरंग में ये जो बन गई तो हमारे ये प्रेसिडेंट जी जवेरी भाई सोने जी और जगदीश भाई भट्ट और मैं और जैसे दो चार अभी, लेकिन अभी जो सक्रिय हम जो है तीन ही है जो तो सप्तरंग से प्रोग्राम करते हैं, और सप्तरंग के प्रोग्राम में आज कोई फंड नहीं है हमारे पास, फंड से नहीं करते थे, जब भी सप्तरंग के कोई भी प्रोग्राम हमको करना पड़ता है, करना है अगर हम नक्की कर लेते हैं चलो एक प्रोग्राम सप्तरंग का करना है, तो इतनी पहचान है हमारे लोगों की और इतने बिल्डर्स हैं और ये व्यापारी है उद्योगपति सभी, तो उसको बोल देते हैं हम लोग भाई हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं आपका डोनेशन चाहिए वो डोनेशन दे दो, और कोई ना नहीं देता जब भी आप जो चाहिए वो बता, तो सभी से सभी थोड़ा थोड़ा बहुत लेकर डोनेशन ले लेते और प्रोग्राम हो जाते हैं और पब्लिक पब्लिक देते हैं तो चलता रहते हैं। तो आज भी प्रोग्राम हमारे होते हैं डोनेशन, अगर जो समझ लो प्रोग्राम में खर्चा डोनेशन जितना भी आया अगर कम पड़ा, समझ लो खर्चा 3 लाख का है और डोनेशन मिला 2.5 लाख तो 50,000 कम पड़ा, तो करके गक्के हम डाल देते लेकिन प्रोग्राम करते रहते इस तरह से। जहाँ तक बात है आपके घर का स्वादिष्ट भोजन का मैंने आज आनंद लिया, मैंने तो मेरे लिए तो ये खास दावत खास हुई दावत, लेकिन मैं इस दावत खास के अलावा जो
चीज मैंने जो नोटिस की वो ये कि आपके घर के सभी सदस्य आपके बड़ा काम करते हैं, तो इसमें जब संगीत में डूब जाता है तो जैसे आपकी वैवाहिक जीवन है मैडम है, क्योंकि आप तो संगीत में खोए रहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि उनको तो आपको एक बार बीच में बात छोट को संगीत में मैं भी खोया तो वो भी उन लोगों को भी संगीत में मजा आता है तो वो भी संगीत के बाद ऐसे कभी टांग नहीं आ रहा यही सवाल कभी भी टांग नहीं आ रहा, वो भी बोलते नहीं आप जो करते हो अच्छा करते हम उनको भी मजा लगता है, तो मेरे पूरा परिवार संगीत के दीवाने हैं, ना केवल आपकी धर्मपत्नी बल्कि आपके सुपुत्र आपकी पुत्र वधु आपके दोनों बच्चे जो ना पोते पोतियां नाती मैंने नाती का भी सुना कि लोगों को, तो आज मैंने एक वीडियो देखा आपके घर में कि लोगों को विरासत में मिलता है महल पैसा गाड़ियां वो ये सब चाहते हैं, मुझे संगीत मिला ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यदि संगीत है तो जीवन जहाँ जीवन है जहाँ माँ शारदा विराजमान हो जाती है वहाँ सब कुछ है सभी कुछ है, ये तो आपके वंश में बस वो बहुत दूर तक चला गया चल जा, ये तो बहुत अच्छी बात, वो भी चलता ही रहेगा मुझे लगता है, नहीं वो तो चलता ही रहेगा, मेरा पोता जो है इतना जो वो भी आज भी वो संगीत में इतना दिलचस्पी रखता है तो वो भी कीबोर्ड बजाता है, मेरा नाती है वो भी कीबोर्ड बजाता है, मेरी बेटी भी संगीत के लिए बहुत दीवानी है, वो भी पुरानी मेरा निपुण है तो वो तो उसको तो आपने देख लिया कितना दीवाना है, हाँ नहीं मैंने देखा मैंने देखा है कि मैं ये सोचकर उसके घर से उठा था तो आपके सुपुत्र निकुंज की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी तो उसमें रोमांटिक में देखो रोमांटिक गाने में रोमांस भी करते हैं तो ये गाने की असर है ये गाने की संगीत की असर के ये असर से वाली उसका संगीत है, इसको जिंदा जादू भी कहते हैं संगीत, जो हंसते को रुला भी सकता है रोते को हंसा भी सकता है, तो वही तो आजकल मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि ये थेरेपी है ना, बिल्कुल बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, तो मैं तो आपकी जो खुशहाली का तो सबसे बड़ा जो एक कारण मुझे संगीत तो दिख ही रहा है उसका असर मैंने आपका यहाँ देख ही लिया और दूर दूर तक चर्चा तो है, लेकिन ये जब आप छोटे थे तो उस दौरान भी क्या केवल गाने गाते थे, कभी गिल्ली डंडा खेला है लेकिन उसमें माहिर नहीं था, लेकिन जो जब उसमें देखते हैं वो सब कोई मास्टर होता है, वो कभी पतंग चगाते ऐसे थे तो पतंग चगाना मेरे को नहीं आता, और नवरात्रि में जो डांडिया खेल दी जाती है मुझे डांडिया खेलना नहीं आता, अच्छा तो लेकिन ये गिल्ली डंडा में खेलता था, अच्छा लेकिन मैं माइंड मास्टरी नहीं थी उसमें, अच्छा कर लेता था वो बच्चों करता है तो वैसे अच्छा। तो उस टाइम कर लेता, लेकिन जो संगीत की बात जो आती है जो गाने की बात आती है तो उसमें मैं सबको मार देता था, तो हम लोग जब भी जो अंतकली बनते थे छोटे छोटे बच्चे साथ में होते अंताक्षरी, अच्छा तो अंताक्षरी थे तो उसमें मैं सबको मार देता था, अच्छा वासुभाई भी बचपन के साथी रहे होंगे, हाँ वो भी मेरे बचपन के साथी, तो वो अंताक्षरी में वो भी मात करते थे आपसे, हाँ वो तो मात तो मेरे वो मैं क्या बताता हूँ अभी मैं कोई इतना ईगो नहीं रखता वो लेकिन मैं सबको मात दे देता आज भी मेरे पास अभी आज तो मेरी याददाश्त भी थोड़ी कम हो गई है लेकिन फिर भी आज भी मेरे को पुराने गाने के बारे में कोई भी वो पूछेगा नहीं मैं उसी टाइम एटा टाइम आपको मानोगे नहीं आपको हमारे ए वाई पट्टी म्यूजिक डायरेक्टर है जहाँ पर ये म्यूजिशियन है कीबोर्ड प्लेयर अच्छा बजाते हैं तो वो अक्सर मेरे को फ़ोन करके पूछता है यार तो ये गाना कौन सी पिक्चर का है, मैंने बोला यार गूगल में देख लो गूगल में सब मिल जाए, गूगल में खोल लूँ इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, तू तो गूगल से भी फास्ट हो, तू गूगल से इतना फास्ट हो कि मैं तेरे को पूछूँ उसी ने मेरे को जवाब मिलेगा, मैं गूगल क्यों खोलूँ, अरे वाह तो मैं गूगल हमारा गूगल तुम हो और उस गूगल से भी तू इतना फास्ट गूगल हो कि हमें जवाब मिल जाता है उसी टाइम, तो ये बात है आपका इतना मैंने समय लिया मजा बहुत आया, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आप दिल्ली से यहाँ पर आए और हमारी मेहमान गति स्वीकारी उसके लिए मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतना समय भी दिया, बहुत ही अच्छा लगा और एक बहुत ही अच्छा तो वही लगा कि आप इंटरव्यू तो आपने लिया लेकिन आप
इतने म्यूजिक लवर आप भी हो, आप गाते भी हो, ये भी जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत से गाने गाए और आज भी गाते हो, और ये इंस्टीट्यूट जो आप जो चला रहे हैं दिल्ली में, जो मिस्टर कोहली अमरजीत सिंह कोहली उसके साथ आप लोग अटैच हो, ये जैसे अपने ये बैजनाथ भाई गोशा है जो, और दूसरा कोई मिश्रा जी है, रमेश भाई मिश्रा, और ये सब विनोद तिवारी जी ये थे, उमेश खुराना। और मैं दिल्ली आया था आपके वहाँ एकेडमी में, मैं इतना खुश था, आपको मालूम नहीं होगा, मैंने वो अंकिता पाठक जो सिंगर है जो आपके दिल्ली की है वो, तो उसके घर में हम लोग, मैं और मेरी वाइफ आए थे हम लोग वहाँ पर, और आपने बताया कि वो बैजनाथ गुस्सा ने बताया कि यार आपको मेरे एकेडमी में आना ही है, तो मैंने अंकिता को बोला कि क्या बात है, वो कितना लंबा है, एक गांजा जाने का 1 घंटा लगेगा, आने का 1 घंटा, 2 घंटा, तो मैं तो चलो अभी अपने लिए तो टाइम है कोई 3 घंटा इन लोगों को दे देते हैं, आने जाने के लिए 1 घंटा और 1 घंटा एकेडमी में। लेकिन जब मैं आपकी एकेडमी में आया ना तो मेरे को कोई समय का मान नहीं रहा, वो इतना आपने मुझे प्यार दिया, उन लोगों से मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे कोई ऐसा समय का कि 1 घंटा या हो गया या 5 घंटा हो गया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना इग्नोर हो गया था आप लोगों से मिलकर, और मैं इतना खुश हुआ कि बात ही छोड़ दी, तो मैंने बोला लेकिन मैं धन्य हो गया आपकी एकेडमी में आकर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत धन्यवाद, और आपने इतना मान दिया हमें कि आप हमारी छोटी सी एकेडमी में आए। असल में दरअसल ये जो इंटरव्यू मैंने किया है, ये मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसका नाम है 20वीं सदी के 21 चेहरे। क्या बात है, 20वीं सदी के 21 चेहरे, क्या बात है। ये जो 21 चेहरे हैं, ये कोई राजनीतिक या कोई सेठों के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये कोई बड़ा व्यापारी है उसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, या कोई राजनीतिक कोई शख्सियत है उसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये समर्पित है जो स्टेज पर कलाकार काम कर रहे हैं, या स्टेज इस कला के लिए जो काम कर रहे हैं, कुछ जैसे आपने नए नए कलाकार दिए, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आए, पुराने गीतों को वापस आपने जिंदा किया, आपका इतना बड़ा योगदान है, हमारे अमरजीत सिंह कोहली साहब जो दिल्ली में पितामह कहलाते हैं, भीष्म पितामह, उन्होंने कला जगत में सोनू निगम जैसा नायाब हीरा दिया, और कई सारे बच्चे सुनिधि चौहान सभी लोग, हाँ ये सब देखा मैंने, हाँ ये सब ऋचा शर्मा, ये सब कोहली सर की कृपा से आगे बढ़े हैं, उनके मार्गदर्शन में, जैसे रमेश मिश्रा जी हैं, इतना बड़ा नाम है उनका, कोई प्लेबैक्स ही कर ऐसा नहीं है जो उनके साथ नहीं गाया हो, जिसने मुकेश गुप्ता जी हैं, लता जी के साथ बजा चुके हैं, रफी साहब के साथ बजा चुके हैं। दरअसल क्या है कि बड़े जो कलाकार होते हैं, या बड़ा कोई गायक है, या कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, या अभिनेता है, या कोई संगीतकार है, या कोई राइटर है, तो उसके बारे में तो ज़रूर लिखा जाता है, बहुत लिखा जाता है। अब आप रफ़ी साहब के ऊपर ही देखिए, बहुत लोगों ने किताबें लिखी होंगी, रफ़ी साहब हैं इतने महान, हजारों साल तक उनका नाम किसी तरह रहेगा, लेकिन उनके गाने को आगे तक लाने का जो काम करता है ना उनके स्टेज का सिंगर करता है, जैसे आप अभी निगाहें ना फेरो, रवि साहब का एक नायाब गीत आप निकाल के लाए है ना, उसको एक गायक ने हूबहू गाया, वाह, तो रवि साहब को तो सलाम है ही बारंबार, लेकिन उस गायक को भी सलाम है कि वो परंपरा को आगे ला रहा है। तो जिन लोगों ने पूरी जिंदगी संगीत के प्रति समर्पित की है, बेशक वो गायक हो या आपके जैसे संगीत प्रेमी और प्रमोटर या कोई म्यूजिशियन हो, तो जो इसके क्षेत्र में जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, जिंदगी को समर्पण किया है इसमें, उन लोगों के लिए मैं चाहता था कि उनका भी बारे में लिखा जाए। तो ऐसे मैंने 21 लोग, क्योंकि बड़ी बहुत बड़ी ये तो समंदर है, इसमें तो इतने कलाकार हैं तो सबके बारे में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए हमने 21 चेहरे हमने चुने हैं कि जिन्होंने बड़ा योगदान किया है। तो हर्षित भाई सोनी, आप उनके शख्सियत में से एक हैं, क्या बात है। और मेरी कल ही मुलाकात हुई हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा म्यूजिकल ग्रुप है हेमंत
म्यूजिकल ग्रुप हेमंत महाले जी, मम्मी उनसे भी मेरी कल मुलाकात हुई, उनका मैंने जीवन पर चर्चा की, इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर, इतने डाउन टू अर्थ, मतलब ऐसे कला प्रेमी जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया संगीत के लिए, मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मेरा यहाँ आना इसीलिए, ये मेरा आना ही समझे आपकी, मैं आपके लिए नतमस्तक हूँ, इसीलिए मैं चलकर आपके पास आया हूँ कि आपने इतना कुछ दिया है। और 1 सितंबर को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आप आ ही रहे हैं, तो ये 1 सितंबर का कार्यक्रम भी उसका नाम ही रखा है सप्त स्वर। क्या बात, जैसे 7 स्वर होते हैं उसी तरह से हमने 7 कोहिनूर हीरे चुने हैं, जिनको हम उस दिन, जिनकी प्रेजेंस में हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। तो कार्यक्रम का नाम है सप्त स्वर, इन द प्रेजेंस ऑफ 7 अल्टीमेट म्यूजिक लवर एंड ग्रेट आर्ट प्रमोटर्स ऑफ इंडिया, तो उनकी सबकी प्रेजेंस में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मेरी खुशकिस्मती से आपसे समय मुझे मिल गया है, हेमंत महाले जी उसमें मौजूद रहेंगे, हमारे अमरजीत सिंह कोहली साहब, विनोद तिवारी जी जिन्होंने बहुत दिया संगीत जगत को, परमिंदर चड्डा जी हमारे परम मित्र और बड़े आर्ट प्रमोटर हैं, बड़े बेहतरीन कलाकार हैं, सुनील कपूर साहब, रमेश मिश्रा जी, ये 7 लोग वहाँ रहेंगे और उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये साथ साथ एक किताब भी लिख रहा हूँ जिसमें मैंने आपसे कुछ चर्चा की है, और मैं ये चाहूँगा कि ये कैमरा आप मुझे दीजिए, पूरी फैमिली एक बार आप साथ बैठ जाए, चालू रहने दीजिए फोन इसको, आइए बुला, आप बुला लीजिए। कैसा लगा मेरा ये प्रयास से आप? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। बच्चे तो आपको इंसान ही नाते दो, तो आप तो बहुत इंसान रखे हुए और मैं आप लोगों से मिलकर तो मैं तो इतना खुश हुआ हूँ आपसे, जैसे दिल्ली में जब आए थे आपसे मिले, मिस्टर उमेश खुराना को मिले, ये रमेश भाई मिश्रा को मिले, वैद्यनाथ गोसा के मिले, और दूसरे कुछ थे, आपका बच्चा वो वही हाँ। वो क्या गाता है, वो भी बहुत ही उसका देखा टोन और कितना हाई पिच में जा सकता है, वो सुर का भी कितना पक्का है हाँ। तो एक बच्चा और मिला सप्तमुनि आपको, हाँ तो वहाँ सप्तमुनि था हाँ। उसको सुना हाँ। और ये लोग देखा ने सुना तो अच्छा लगा, तो उसमें साथ में थी अंकिता पाठक हाँ। तो वो भी आपकी दिल्ली की बच्ची है हाँ। तो उसको भी हमने सुना और साथ में तब आप लोगों ने जो हमने बहुत ही मेरे को रिस्पेक्ट दिया, आपने सब लोगों ने मेरे पर रिस्पेक्ट दिया, और मानोगे नहीं मैं 1 घंटे का टाइम निकल कर आया था, मैं आपकी एकेडमी में आया अच्छा। मुझे पता नहीं चला कितना टाइम निकल गया और कितना टाइम मैं बैठा रहा हूँ मालूम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैं टाइम को भूल गया कि मैं इतना हम लोगों को इतना आप लोगों ने प्यार दिया, वाह तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वाह 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 वाह, कैसा लगता है बेटा दादू के प्रोग्राम? बहुत अच्छे। कौन कौन सा गाना याद है जो दादू को पसंद है बताओ आप? अजीब दास्ता। आपको कौन सा गाना याद है बेटा? तुझे कौन सा गाना याद है दादा के? दादा जो दादा को बहुत पसंद है बताओ। ये शाम मस्तानी नहीं, अभी हम उससे पूछेंगे, आप बताओ बेटा जानवी। ये सामने जो पता नहीं कौन सा गाना है, किसने गाया ये पता नहीं गाना? ये पता नहीं किसने गाया, रफी साहब ने गाया क्या? आप बुलाइए और उनको भी बुलाइए। बेटा कौन कौन से गाने नहीं आपको नहीं पता? दादा ना की प्रोग्राम में क्या गीत हुए थे? चली गोरी डांस करो करो तो आप बताओ ना, शर्म आती है, आप तो भरतनाट्यम के डांसर हो, इतना अच्छा करते हो भंगिमाएं, इतनी अच्छी अच्छी भंगिमाएं समझते हो? भंगिमाएं मुद्रास उसको भंगिमा भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन, दैट मीन्स एक्सप्रेशन। कैसे हैं निकुंज? बस एकदम बढ़िया।
कैसा लगता है पापा का ये सब? बहुत ही अच्छा लगता है, और जब आप जैसे गुणीजन आके उनको बुलाते हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, नहीं मैंने देखा आप तो यार रोने लगे, किसी की याद में रो रहे थे क्या? क्या था कि जो गाना चल रहा था तो वो गा इतना अच्छा रहे थे कि दिल से सीधा दिल में लग गया। वाह 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 वाह, कहते हैं ना जिंदा जादू है, वो आपके घर में देखने को मिलता है कि गीत होते हैं और आपके सीधे दिल पे उतरते हैं, और वो जब आपके दिल पे उतरते हैं तभी पूरी दुनिया में लोगों के दिल पे उतर जाते हो। आज आप ये बताएं कि YouTube पर बहुत बड़ा ये काम किया YouTube ने, YouTube पे कितने फॉलोअर्स होंगे आपके? जी व्यूअर्स तो बहुत लाख को व्यूअर्स है, लेकिन सब्सक्राइबर में जो किया वो शायद 30,000 से ऊपर होगी शायद सब्सक्राइबर में, साइन करना। लाखों और फॉलोअर्स 30,000 के ऊपर है। 30,000 मैं अभी एक गाना अपलोड करता हूँ तो 30,000 आदमी को पता चल जाता है। अच्छा, मैंने ये गाना अपलोड किया। अच्छा, तो उसी टाइम एट द मोमेंट पता चलता है कि ये गाना अपलोड किया, फिर वो लोग देखते, फिर बाद में तो सब लोग पूरा यूट्यूब तो देखने वाले तो बहुत से लोग है तो वो देखते रहते हैं। वैसे तो ऐसे ऐसे गाने जो अच्छे बोलता है 10-10 लाख से भी ऊपर व्यूअर्स मिले हैं उसमें। तो यूट्यूब ने आपको इसके लिए कुछ रिकमेंड किया कुछ नहीं, आपको? बिल्कुल नहीं, 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 वो तो आपको देते ना पायदान देते भाई, इतने इतना अपना खुद का प्रोग्राम जो होता है ना तो मिलता है, तो मैं तो कॉपीराइट में आता हूँ, मेरे कॉपीराइट कैसे होता है तो उसे मिल नहीं सकता। अच्छा अच्छा, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, मैं किसी पैसे के लाभ की बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो ग्रेडिंग देते हैं ना कि ये इनके इतनी व्यूअरशिप है, ऐसा तो कुछ आपको देते होंगे ना अप्रिसिएशन, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स को इतना लाइक किया जाता है। अगर कोई भी आप गाना लिखोगे ना, समझ लो ये कोई गाना लिखा आपने तुम सा नहीं देखा गाने का, तो वो गाना तो आएगा तो साथ में मेरा गाना तो एक तो आ ही जाएगा। अच्छा, कभी भी यूट्यूब खोलोगे कोई भी गाना लिखोगे उसमें एक दो गाना मेरा तो आएगा आएगा आएगा, तो वो तो यूट्यूब वाले जो खुद ही करते हैं ना, वो जब भी आते हैं तो अर्जुन भाई के गाने एक तो रखते तो जिससे वो लोग देख सकते, और एडवर्टाइज उनकी एडवर्टाइज भी चढ़ती है ना, उसमें चढ़ती है तो मेरा गाना तो एड भी साथ में रहती है, तो वो मेरे गाने पर इतना प्रभावित है यूट्यूब वाले, वो भी ऐसे रखते रखते। कोई भी गाना लिखो पुराने, आप समझ लो पुराने गाना कोई भी आप लिखोगे कि ये गाना आपको सुनना है तो वो गाना तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में मेरा तो हर्षुक भाई सोने का भी मिलेगा, तो एक दो गाना मेरा तो आ ही जाएगा कंपल्सरी, तो इतना यूट्यूब वाला मेरे को रिस्पॉन्स देता है वो। कभी कोई ऐसा गाना रखवाया है जो आपने मैडम के लिए गाया हो? ऐसा भी गाना रखवाया आपने कि नहीं? सभी गाने उनके लिए तो नहीं नहीं नहीं, आप तो गाना कराते हैं वो देखो जला घर किसी का इसका क्या मतलब समझे? वो हम दोनों एक दूसरे की सलाह पत्र कभी की प्रोग्राम करते हैं ना जब भी। अच्छा, तो गाना चूज करके हम लोग एक दूसरे को बात करते हैं कि देख तो ये गाना कैसा है, वो मैं बोलूँ ये गाना कैसा है, वो बोलेगा सुना, वो मेरे को तो सुनाता हूँ, फिर बोलेगा थोड़ा सेड है लेकिन गाना बहुत बढ़िया है, कंपोजर बहुत बढ़िया है, वो बोलती है तो बोले क्या रखे या नहीं निकाल दूँ, लेकिन नहीं नहीं रखो मेरे को अच्छा लगता है, तो वो देखो जला कर किसी का वो देखो, इसके मतलब भी नहीं, मैंने खैर मजाक किया, मजाक किया। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह के गाने जो हम लेते हैं तो इसमें कोई ऐसी कोई वो बात नहीं, वो बात है उसमें सामने से सजेस्ट करते हैं कि ये सेट सॉन्ग है आप वो रखो सामने। अच्छा, तो ऐसे सेट सॉन्ग है ये नहीं लेना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए नहीं, आप बताइए, आप इस घर की बहू रानी है, आपसे भी सवाल कर लूं, आप तो दूसरे परिवेश से आई हैं, वहाँ आपके घर में भी संगीत का ऐसे माहौल था? माहौल संगीत का है पर इतना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था नहीं। तो सौभाग्यशाली पाती हैं आप, बहुत ज्यादा है, बहुत पापा के बहू और यहाँ के तो मैं बहुत ही सीखी, वेरी गुड, मम्मी और पापा से ही पूरा सीखी।
वेरी गुड वेरी गुड। आप भी आइए साथ में, आपसे मैं दो सवाल कर लूं। आइए, आप घनिष्ठ मित्र हैं। ये घनिष्ठ मित्र है मेरा। हाँ, वो भी अक्सर जो प्रोग्राम करते हैं ना, जो हाँ जी, तो उसके बिना मेरा प्रोग्राम नहीं होता है अभी।